क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ हिस्ट्री। भाई कहां है वो डॉक्यूमेंट जिसमें कुर्बानियों की बातें लिखी हुई हैं? फसादात हुए थे, सिखों का क्या था कहना? उसने कहा कि भाई इट्स अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वी सिख्स डू नॉट कम इन। हमने 500 बरस उनके ऊपर हुकूमत की, फिर भी हम अपने बच्चों को बता रहे कि हिंदुओं ने हम पे बड़े जुल्म किए, क्योंकि जब यहाँ पाकिस्तान बना और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, एंड फ्रॉम दैट डे दे आर द सेकंड ग्रेट सिटीजंस ऑफ इंडिया। बच्चों को तारीख ऐसी ऐसी पढ़ाई जा रही है, मसलन पाकिस्तान बना इस हिस्ट्री, हिस्ट्री आप डिस्कस नहीं कर सकते, ये इसी एक मुल्क हमारे पाकिस्तान में है कि यू कैन नॉट डिस्कस हिस्ट्री। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ हिस्ट्री, इट इज अ हिस्ट्री। अगर किसी के पास और कोई ओपिनियन हो तो टेल मी, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ हिस्ट्री। उस हिस्ट्री को क्यों नहीं हम डिस्कस करें? नहीं, मत डिस्कस करो पाकिस्तान की क्रिएशन को, बड़ी कुर्बानियां दी गई थी पाकिस्तान के लिए। भाई कहां है वो डॉक्यूमेंट जिसमें कुर्बानियों की बातें लिखी हुई हैं? फसादात हुए थे, इतने खौफनाक फसादात हुए थे 47 में पाकिस्तान बनते हुए, जिन लोगों ने देखे उस आग के दरिया से जो लोग गुजरे वो बता सकते हैं आपको कि वो किस तरह के थे। उसकी तपिश हमने कराची में महसूस की थी कि क्या हो रहा था वहां हिंदुस्तान में, बीच में यूपी और सीपी में और बिहार और बंगाल की तरफ क्या हो रहा था, इतनी खौफनाक किस्म के उसमें फसादात हुए थे। क्योंकि मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में कम थी तो मुसलमान कम मरे थे, हिंदू ज्यादा तादाद में थे, हिंदू ज्यादा मरे थे। खुशवंत सिंह का नावल है ट्रेन टू पाकिस्तान, लाहौर से जब सिख नहीं जा रहे थे तो सिखों की तो काट के फिर तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, इज टेकन फ्रॉम हिस्ट्री। खुशवंत सिंह ने रेलगाड़ी भर के उन्होंने लाशों की अमृतसर भेजी थी, तो अमृतसर के सिखों ने कहा था कि भाई अब तुम गिनते जाओ, हम आपको रेलगाड़ियां भर भर के भेज रहे हैं। सिखों का क्या था कहना? उन्होंने कहा कि भाई इट्स अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वी सिख्स डू नॉट कम इन, हमारा बीच में आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए काशी है, बनारस है, इसी तरह हमारे लिए हसन अब्दाल है, ननकाना साहब है, ये हमारा है, हम क्यों जाएं? लेकिन उनको काट के उनकी रेलगाड़ियां उस तरफ भेजी गई। ये फसादात हुए थे, कुर्बानी किसी ने नहीं दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि सिंध में जो ओरिजिनल सिंधीज हैं वो दबक गए कि भैया हमने तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं, तो पाकिस्तान तो उधर बना था, उधर से बन के इधर आया, वरना अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान तो नहीं बनता। तो मेरे बच्चे स्कूल में सेकंड ग्रेड बच्चे होकर वो पढ़े हैं, क्योंकि दूसरों ने उनको कहा कि हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी और ये पाकिस्तान बना, नहीं तो तुम हिंदुओं के गुलाम रहते। एक तो ये पता नहीं किसने उनको कहा कि यहाँ हिंदुओं के गुलाम थे मुसलमान, और दूसरी जो सबसे खौफनाक जो नफरत वाली बात जो मेरे बच्चों को के जहनों में डाली जा रही है, हेट हिंदू, हिंदू से नफरत करो, हिंदू हमारा दुश्मन था इसलिए पाकिस्तान हमें बनाना पड़ा, हिंदू ने हम पर बड़े जुल्म किए थे। भाई इट्स अ हिस्ट्री, हिंदू ने हम पर कब जुल्म किए थे? स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री प्लीज करेक्ट मी, हिंदू ने हम पर कब जुल्म किए? 500 बरस हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, हम मुसलमानों ने, वही माय फोर फादर्स, 500 बरस हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, हम तो हिंदुओं के अंडर तो रहे नहीं कभी, हमने 500 बरस उनके ऊपर हुकूमत की, फिर भी हम अपने बच्चों को बता रहे कि हिंदुओं ने हम पे बड़े जुल्म किए। हमने 500 बरस हिंदुस्तान पे हुकूमत की, हमसे अंग्रेजों ने हुकूमत छीनी। होना तो ये चाहिए था असूलन, जब अंग्रेज जा रहा था तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में इतना दमखम होता, अंग्रेज को कहते कि आपने हमसे हुकूमत ली थी, हमें देकर जाओ। किसी में दम नहीं था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, किसी लीडर में दम नहीं था, तो कहा कि नहीं एक टुकड़ा हमें अलग दे के जाए मुसलमानों के लिए, बस हम वी वॉन्ट अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। धोखा दिया मुसलमानों को, क्योंकि जब यहां पाकिस्तान बना और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, एंड फ्रॉम दैट डे दे आर द सेकंड ग्रेट सिटीजंस ऑफ इंडिया, हमारी वजह से। हमें तो अपना घर मिल गया, वी आर वेरी हैप्पी, मजा है हमें, जो हम कह वो कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दोस पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया? आप होके आए होंगे इंडिया में, जो मुसलमानों की हालत है वहां पे, और वैसे भी साइकोलॉजिकली दे आर थिंकिंग दे आर द सेकंड ग्रेट सिटीजंस ऑफ इंडिया, बिकॉज फॉर देम ए सेपरेट होम वॉज क्रिएटेड इन 47।
What are we doing here? भाई हेट हिंदू, हमारे पास हिंदू तो गिनती के हैं, दो चार 20-25 करोड़ मुसलमान बैठे हुए हिंदुस्तान में। आप आटे में बराबर हिंदुओं को यहाँ हेट करोगे तो वो जो 20-25 करोड़ वहां बैठे हुए आपसे ज्यादा, उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो आप लोग। नो वन थिंक्स अबाउट इट, दे हैव देयर ओन एजेंडा। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं।